वन वेलकम टू करण क्रंच आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलॉजी जो नितिन सांगवान सर की बुक है उसमें ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन में क्या डिफरेंस है ठीक है ओल्ड एडिशन वर्सेज न्यू एडिशन तो काफी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे मेल्स आ रहे थे मैं इस बारे में बात करूँ की जिन बच्चों ने ऑलरेडी ओल्ड एडिशन परचेज की है क्या उनके लिए न्यू एडिशन लेना जरूरी है दैट इज अकेंड एडिशन क्या लेना जरूरी है या नहीं तो इस चीज़ का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा तो डू स्टिक टिल दी एंड अगर आप मुझे डायरेक्टली मेरे बात करना चाहते हैं कैन रीच आउट टू मी एट करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम मेरी चैनल पे नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर ए का आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है और बस हम अपना पेपर बी स्टार्ट करने वाले हैं इन मीन टाइम कुछ और एडिशन अगर पेपर ए के करने होंगे तो उसके वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ये बुक आई अंडरस्टैंड कॉस्टली बुक है सबके लिए इजी नहीं होता है लेना फाइव हंड्रेड सेवेंटी और एट्टी समथिंग आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है अमेजोन पे पर बुक लेने से पहले आप एक चीज जरूर देखें यहाँ पे एक होलोग्राम है एंड इस पर सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है जो ऑथेंटिसिटी इस बुक की बताता है कि बुक जो है वो ऑथेंटिक है क्योंकि मार्केट में काफ़ी कॉपीज भी आना शुरू हो गई हैं फेक कॉपीज इस बुक की अब हम देखते हैं प्रीफेस अब इसका आ, मतलब क्या था इंक्लूड करने का इसका पर्पस क्योंकि इसमें सर ने खुद से ही एक्सप्लेन किया है वो इन उन्होंने नए एडिशन में क्या चेंजेस लाई हैं तो पार्ट ए जो हमने कंप्लीट किया है वो पुराने एडिशन से हमने कंप्लीट किया है अगर वो आपका कंप्लीट हो गया है यू डोंट नीड टू वरी जो भी एडिशन कोई डायग्राम हो या कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो उसके वैल्यू एडिशन के वीडियोस में लेके आऊँगी अदरवाइज़ पार्ट ए जो है इसका वो मेजरली सेम है उसमें कोई ऐसी खास ज्यादा एडिशन नहीं है लेकिन जो पार्ट सेकेंड है बुक का वो सर ने काफी चेंज किया है इस वजह से जो पार्ट बी है दैट इज पेपर पेपर बी बी वो वो हम न्यू वो हम न्यू न्यू एडिशन एडिशन से से ही पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है अब हम देखते हैं इस प्रीफेस में सर ने खुद ही मेंशन किया है कि उनने क्या क्या चेंजेस लाई हैं तो इलाबरेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक ठीक है ये इन्होंने किया है ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओवरहॉल किया है इन्होंने सेकेंड पार्ट क्योंकि आपको क्या होता है पेपर बी का काफ़ी सर को रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसमें और एडिशन करो पेपर बी का यूजली पेपर ऐसा होता है कि आपको करंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए करंट रिलेटेड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स का भी आपको पता होना चाहिए जब आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हो क्योंकि उसी एंगल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो अकॉर्डिंगली पार्ट सेकंड को काफ़ी ज़्यादा इसमें इलाबरेटिव बनाया गया है और अकॉर्डिंग टू सर कम्प्लीटली ओवरहॉल किया है सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक ठीक है तो पार्ट जो इसका पेपर बी है वो हम सेकेंड एडिशन से ही पढ़ेंगे तो मेरे वीडियो ज़रूर देखें अगर आप पेपर बी भी, भी आ, कुछ ही टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं और इसमें क्या चेंजेस लाई हैं सर ने ऐड किए हैं फिफ्टी इंडिकेटिव क्वेश्चन विद आंसर्स ठीक है और ये जो इंडिकेटिव क्वेश्चन हैं ये हर चैप्टर के बाद प्रेजेंट हैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन उनके मॉडल आंसर्स के साथ और ये जो आंसर्स है इसमें अच्छी बात क्या है ये अटैम्प्ट किया गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टॉपर्स ने तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा आंसर राइटिंग का ठीक है फ्रेम कैसे करने हैं आपको आंसर्स उसका आपको आइडिया मिल जाएगा क्योंकि यूपीएससी टॉपर्स ने आंसर जो है वो बनाए हैं तो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने का क्या डिमांड वगैरह होता है वो आपको सारा इन इंडिकेटिव क्वेश्चन से बन जाएगा तो पार्ट बी चेंज हुआ है फिफ्टी इंडिकेटिव क्वेश्चन आए हैं जिसमें से हर चैप्टर के पीछे दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं ऐसे विद मॉडल आंसर्स और एक ग्लॉसरी uh, एड uh, की गई है जिसमें मीनिंग्स टर्म्स uh, के ऐड किए गए हैं मोर देन 750 फिफ्टी टर्म्स तो कोई ऐसे टर्म्स हम बीच में बुक के भी कम अक्रॉस सच टर्म्स जिनका मीनिंग नहीं पता होता है तो वो एंड में सर ने ग्लॉसरी बनाई है उनकी 750 फिफ्टी टर्म्स की जो इलाबरेट की गई है इसमें तो ये सारी चेंजेस जो है बुक में लाई गई है अब अगर आपने पेपर ए कर लिया है कवर और वो आपने पुराने एडिशन से कर लिया है यू डोंट नीड टू वरी ठीक है उसके जो वैल्यू एडिशन के वीडियोज हैं जहाँ जहां मुझे लगेगा जरूरत है ऐड करने की अदरवाइज मेजरली पेपर ए सेम है वो वीडियोज में लेके आऊंगी तो अगर आपके पास ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है क्योंकि पेपर बी का ऑनलाइन पी डी एफ इतनी आई गेस आपको आ, कहीं नहीं मिलेगा शायद मुझे भी मैंने भी ढूंढा था कि मुझे ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाए और मैं आप लोगों को दे दूं पर वो ऑनलाइन पीडीएफ मुझे भी नहीं मिला जो पुराना एडिशन है उसका पीडीएफ आपको आराम से नेट पे मिल जाएगा तो उसमें से अगर आपने पेपर ए कर लिया है यू डोंट नीड टू वरी फिर आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जो अपनी प्ले लिस्ट में वीडियो लेके आऊंगी वो मैं न्यू एडिशन के लेके आऊंगी ठीक है और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हम हर चैप्टर डिस्कस करने के बाद उस पर चैप्टर चैप्टर वाइज पीडीएफ मैं उस टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी चैप्टर वाइज पीडीएफ तो ठीक है जैसे हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसका पीडीएफ मैं अपलोड करती दी जाऊँगी फाइन अब अब मैं पहले ही अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों का अप्रोच क्या होता है यूजुअली आप रिसोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में लगते हो और अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान कम रहता है इसीलिए हर जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप अपने रिटर्न नोट्स बना सकते हैं मेरे वीडियोस से और उसके बाद आपको उस चैप्टर का पी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक मैं नीचे पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया हो इस वीडियो का मेन पर्पज़ क्या था और ये भी क्लियर हुआ हो कि आपको न्यू एडिशन जो है ये किस लिए लेनी है या लेनी भी है कि नहीं ठीक है तो टिल द टाइम है अपलोड नेक्स्ट वीडियो पेपर बी का वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू शेयर सब्सक्राइब गिव लव टू दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं फाइन बाय बाय टेक हैव अ ग्रेट डे